नमस्कार, न्यूज इंडिया तक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सरफराज आलम। और आज हम लोग सिवान सदर विधानसभा में हैं। सदर विधानसभा के एक ऐसे उम्मीदवार से आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो कि क्षेत्र में बड़ा ही दमखम रखते हैं और क्षेत्र में लगातार जनता से जुड़े हुए हैं और जनता के बीच जाते हैं। आपको बता दें कि जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था उस दौरान भी लगातार ये जनता के बीच रहे थे और इन्होंने जनता की सेवा की थी। हम बात कर रहे हैं कौशल किशोर यादव और बबलू जी की, जो कि इसके पहले भी निर्दलीय से यहाँ पे चुनाव लड़ चुके हैं और बहुत ही अच्छे से इन्होंने बता दिया आपको कि क्षेत्र में रहा है। तो डायरेक्ट इनसे हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। बबलू जी लगातार क्षेत्र में रहते हैं, जनता के बीच जाते हैं, क्या कुछ कहेंगे जी? सबसे तो पहले कि मैं आप मीडिया बंधु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमको जो है सिवान की जनता के बारे में आप बोलने का मौका दे रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से मैं सिवान के लोगों को भी जो है धन्यवाद देता हूँ कि वह जो है मेरे जैसे एक चेहरे को जो है अपने यहाँ जो है इतना दुलार प्यार हम जब क्षेत्र में निकलते हैं तो हमको वह देती है जो है। तो मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे देना चाहता हूँ कि मैं कौशल किशोर यादव, पूर्व प्रत्याशी सिवान विधानसभा निर्दलीय और बबलू, और मैं वर्तमान में भी निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और पिछला 15 के बाद मैं लगातार क्षेत्र में लोगों के बीच रहा हूं, लोगों की सेवा किया हूं। मैं निरंतर पूर्व में भी आप निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं, वर्तमान में भी निर्दलीय के रूप में जा रहे हैं, किसी पार्टी का दामन आपने आज तक नहीं पकड़ा, ऐसा क्यों? देखिए, पार्टी जो है ऐसा नहीं है कि पार्टी के हम नहीं पकड़े तो हम जो है जनता से दूर हैं। अगर पार्टियाँ जनता के मुद्दे से दूर है तो फिर हम उन पार्टियों का दामन क्यों पकड़े? मेरा जो है आस्था जो है पार्टियों में नहीं है, मेरी आस्था लोगों में है, लोगों की समस्या में है। और जो लोगों की समस्या की बात करता है, लोगों की समस्या को प्राथमिकता देता है, मैं उसके साथ हूँ और मेरी जो है साथ सीधे सीधे सिवान की जनता के साथ है। जहाँ एक तरफ सिवान में दो दिग्गज लड़ने जा रहे हैं आपस में, वहाँ पर बबलू यादव जी जा रहे हैं, क्या छाप छोड़ पाएंगे जनता में? देखिए, दिग्गज हो या साधारण जो है हर व्यक्ति जो है एक छोटे से कद से जो है अपनी एक मुकाम बनाता है और वह मुकाम जो है उसके कार्य से बनता है, उसके व्यक्तित्व से बनता है, उसके आचरण से बनता है। और जनता जो है इन चीज़ों को देखते हुए जब अपना उस पर प्रेम लुटाती है, प्यार लुटाती है मत के ऊपर, तब जाके कोई भी व्यक्ति महान बन जाता है और वह दिग्गज कहलाता है। लेकिन मैं समझता हूँ ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दिग्गज है। दो मेन प्रतिनिधि इस बार जो लड़ने जा रहे हैं, आपको मालूम होगा कि दोनों ही सत्ता में आकर रह चुके हैं, तो क्या लग रहा है इस बार जनता फिर से उनको मौका देगी या इस बार जनता बदलाव? देखिए, हम तो क्षेत्र में जो गए हैं और लोगों से जो बात किए हैं उसके अनुसार हमने जो लोगों के जो भावना को समझा, जो बातों को सुना है, तो सीधे सीधे लोगों का कहना है कि हम लोगों को किसी भी राजनीतिक दल में कोई विश्वास नहीं रह गया है। और जनता तो ऐसे भड़क जा रही है जैसे जो है सांड लाल कपड़ा को देख के भड़क जाता है। हमको भी लोग इस तरह से इसलिए माफ़ करता है, कहता है कि चलिए आप इंडिपेंडेंट हैं, निर्दलीय हैं, तो आप मेरे यहाँ आ सकते हैं। लेकिन वे लोग नहीं आएगा जो कोई सत्ता में है, कोई विपक्ष में है, क्योंकि भारी विरोध क्यों? इसलिए कि उन लोगों ने जो है उन लोगों के जो है आस्था को ठेस पहुंचाया है, उनकी भावना को ठेस पहुंचाया है। हम बार बार जाते हैं, वो लोग कहते हैं कि वो लोग बार बार आते हैं, हमसे कमिटमेंट करते हैं, वादे करते हैं और एक भी वादे पर अपने खरा नहीं उतरते हैं। हमारी समस्या आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो जब जनता की जो है समस्याएँ बनी रहेगी तो लोग भड़केंगे, जाहिर सी बात है। एक सवाल हम बिहार से जुड़ा आपसे पूछना चाहेंगे। 15 साल यहाँ पे लालू यादव की सरकार रही है, उसके बाद 15 साल नीतीश कुमार रहे हैं और अभी तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं किसी के व्यक्तिगत चीज़ों पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं अगर इसको जनरल वे में कहूँ तो जहाँ हमारे अभी बिहार प्रदेश में करीब 55 लाख जो है ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड हैं, जो कि एक संस्था के सर्वे के मुताबिक है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स जो है उसके सर्वे में है, जो है वहाँ जो है हमारे युवा जो है जब इतने बेरोजगार हैं, कोई पीएचडी है, कोई आईआईटी है, कोई आईआईएम है, नहीं कोई एमआईटी है,
वहाँ अगर कोई युवा जो है जिसकी उम्र जो है अभी बहुत कम है जो है और वह अपने आप को सीएम कैंडिडेट अगर स्वतः मान लेता है तो हमको तो यह स्पष्ट बात लगती है, क्योंकि प्रदेश की जो जनता है वही किसी को राजा बनाती है। तो जब तक वह जनता की भावनाओं को आदर नहीं करता है तब तक तो वह सीएम नहीं बन सकता है। और इसमें जो है हमको लगता है कि आने वाले समय बेहतर जवाब दे पाएंगे, लेकिन हम कुछ ऐसा नहीं कहना चाहते हैं कि जो है वह प्लस हो या माइनस हो। हमारी बस इतना ही है कि जनता की भावना की आदर होनी चाहिए। मेरे कुछ कह और देने और मान लेने से कोई ऐसा हो नहीं जाता है, चाहे मैं हूँ या कोई और हो। सीमांत की जनता कौशल किशोर यादव को वोट क्यों करे? देखिए, हमारी एक सोच है कि यहाँ पर जो है 15 साल पिछला और 15 साल ये, और इसके बावजूद भी 30 बरस के बाद न बिहार में रोजगार है, न चिकित्सा है, न शिक्षा है, न नियमित बिजली है, न स्वच्छ पेयजल है, न शहर की साफ सफाई है, न नाले हैं। तो यहाँ तक कि जो क्राइम का रिकॉर्ड है वह तो लोग पहले कहते थे कि फलाने व्यक्ति के कारण जो है बढ़ जाता था, आज क्यों क्राइम का रिकॉर्ड इतना बढ़ा हुआ है? उस पर कोई बताएगा? शासन बताएगा? प्रशासन बताएगा? और इसका आंकड़ा बताता क्यों नहीं है प्रशासन जो है कि इतने हत्याएं होती क्यों है और कराता अब कौन कराता है जो है? तो जाहिर से बात है कि एक सत्ता है, एक जो है विपक्ष है, और दोनों जो है इस जनता विधायक बनाती है तो इन चीज़ों में बदलाव आएगी क्या आपके आने से? निश्चित आएगी। हम जनता की भावना को जो है आदर करते हैं, हम उसकी समस्या को प्राथमिकता देते हैं, हम मतदाता को मतदाता मानते हैं जो है, हम उसके साथ किसी तरह का जो है ऐसा जो है बात नहीं करते हैं जो कि तालमेल नहीं बैठता हो, अविश्वास जैसे झलकता हो, तब तो हम जाते हैं। आज मेरे जैसा व्यक्ति जो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति है, किसी दल से नहीं है, मेरे पास कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई हैंड्स नहीं है, फिर भी हम जाते हैं तो हमको सम्मान मिलता है। यह तो कहीं ना कहीं जो है हमारी कर्मठता है, हमारे प्रति लोगों का प्रेम है, विश्वास है, तब तो जनता हमको इस तरह से इज्जत करती है, हमारे हमको लोग सुनता है। सुनना ही आज के डेट में सरफराज बाबू बहुत बड़ी बात है। आप हमारा उठा के देखिएगा फेसबुक वगैरह व्हाट्सएप वगैरह कि हम जा रहे हैं क्षेत्र में, कितना लोग हमको सुनने आता है। तो ये कोई आम बात नहीं है, कहीं ना कहीं अपने आप में ये जो है असाधारण बातें हैं कि लोग हमको सुनता है। जब सुनेगा तो मेरी अच्छी बातें होती है, लोगों को अच्छा लगता है, तो मुझे निश्चित है कि लोग गुनेगा भी और चुनेगा भी जो है। कौशल किशोर जी, आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में अगर जनता को चुना के भेजती है, चुनकर भेजती है, तो कैसे इन चीज़ों को सुधारेंगे जो आप कह रहे हैं कि आज सिस्टम सही नहीं है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, नाला नहीं है सही से ढंग का, सड़क नहीं है, तो आप इस सिस्टम को कैसे सुधार पाएंगे? आप तो निर्दलीय के रूप में जा रहे हैं। देखिए, एक काम करने वाला व्यक्ति अगर उसकी जो है नीयत सही हो और नीतियाँ अच्छी हो तो किसी भी बिगड़े हुए काम को वह किया जा सकता है। केवल उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए और नीति अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक विधायक जो है कुछ नहीं कर सकता है। अगर कुछ नहीं कर सकता है तो मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक ही करता है। डायरेक्ट जो है जनता जो है मुख्यमंत्री के चुनाव नहीं करती है, जनता जो है विधायक की चुनाव करती है और विधायक जो है मुख्यमंत्री का चुनाव करता है। तो निश्चित है कि जो हमारे क्षेत्र के जो लोग चाहेंगे उसको मैं सुनूंगा और अपने मुख्यमंत्री से उसको मांगूंगा और उसके लिए मैं कर्तव्य मैंने निष्ठावान हूँ और कर्तव्यबद्ध हूँ कि मैं उस काम को करूँगा। क्या लग रहा है जनता के बीच जा रहे हैं, जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? देखिए, जीत और हार ये तो परिणाम आने के बाद पता चलता है, ठीक है, लेकिन हम एक अच्छे प्रत्याशी के तौर पर, एक अच्छे जो है नेता के तौर पर लोगों के बीच में अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को रख रहे हैं, हम अपनी प्राथमिकताओं को गिना रहे हैं और जनता उस पर विश्वास भी करती है। तो जब जनता उस पर विश्वास करती है तो निश्चित मुझे मौका देगी सेवा करने का। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि जनता इस बार आपको वोट करे और विधानसभा इस बार आपको भेजे। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि चुनाव नज़दीक है, दूसरे चरण में चुनाव होना है, नॉमिनेशन करने कब जा रहे हैं ये भी जनता को आज इस इंटरव्यू के थ्रू बता देता कि जनता जान जाए। देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि नॉमिनेशन हम लोगों के यहाँ दूसरे फेज में होने जा रहा है और 9 अक्टूबर से स्टार्ट है, तो शुक्र दिन पड़ रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी हैं,
हम फर्स्ट रोज करेंगे नॉमिनेशन जो है, और अपने लोगों से भी जो है हम फेसबुक पर व्हाट्सएप पर डाल चुके हैं कि मैं 9 तारीख को जो है नॉमिनेशन करने जा रहा हूं, और मेरे जो भी शुभचिंतक हैं, मुझे चाहने वाले लोग हैं, वह मेरे नॉमिनेशन में भारी से भारी संख्या में आवें, मैं उनका जो है आदर करूँगा, सम्मान करूँगा, स्वागत करूँगा, और हम एक बेहतर उपस्थिति दर्ज कराएँगे वहाँ पर जो है हम। ठीक है, कौशल किशोर यादव जी जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस बार सिवान सदर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, आपको बता दें कि इससे पहले भी एक बार चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार भी जनता के बीच जा रहे हैं और अपना किस्मत आजमा रहे हैं। आगामी 9 अक्टूबर को ये अपना नामांकन करा लेंगे और नामांकन कराने के लिए लोगों से भारी संख्या में जुटने की अपील भी कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने कहा कि अगर मुझे जनता विधायक बना के भेजती है तो मैं सिस्टम में सुधार करने का प्रयास करूंगा। जिस तरह से लगातार हत्याएं हो रही है, कहीं ना कहीं सरकार आंकड़ों को छुपा रही है, उनको भी मैं ठीक करने का प्रयास करूँगा। कैमरा पर्सन जावेद के साथ मैं सरफराज, बहुत बहुत धन्यवाद।